हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इज विनोद माइन थापा एंड वेलकम टू जॉसिफ्ट इन डेज तो गाइस आज है हमारा थर्टी थर्थ डे एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा ऑसम होंगे सो सबसे पहले तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस जो भी जितने भी चैलेंजेस हैं उनको चेकआउट नहीं किया एंड अगर आपके फर्स्ट टाइम है तो प्लीज उनको चेकआउट कर लीजिएगा एंड कल जो थर्टी जो हमारा डे था वहां पे गाइस मैंने एक प्रोजेक्ट रखा मिनी प्रोजेक्ट जहाँ पे आप एक, एक इमेज पोर्टफोलियो बना सकते थे है ना तो अभी तक हम बहुत कुछ देख चुके हैं वर्ल्ड पे जाप कोर्स भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ रिएक्ट सीरीज कब आने वाला सब कुछ बता चुका हूँ तो आई होप आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा ताकि आप ऑसम वीडियोस को मिस ना करें तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आज हमें किस प्रोग्राम को टैकल करना है ठीक है सो so, कोडिंग uh, का चैलेंज का नाम है रैंडम हेक्स कलर जनरेटर ओके ठीक है सो नाउ वी नीड टू राइट अ फंक्शन रैंडम हेक्स कलर दैट जनरेट अ रैंडम हेक्स ओके ठीक है सो आई होप आपको मालूम होगा कि ये हेक्साडेसिमल uh, जो कलर होता है उसे क्या मतलब आई मीन वो होता कैसा है वो दिखता कैसा है हम लिखते कैसे जब भी में कलर्स की बात आती है हम क्या करते इधर वी कैन गो लाइक हैंश टैग ट्रिपल जीरो ब्लैक के लिए ट्रिपल एफ व्हाइट के लिए है ना तो बेसिकली हैश टैग के बाद जो जो भी हम इस तरीके से जो कि एक दो तीन चार पांच छ होना चाहिए तो इस तरीके से पांच छे सो इट्स योर आर जी एंड देन बी रेड ग्रीन एंड देन ब्लू ठीक है तो ये हेक्स कोड जो है गाइस हमें उसको क्रिएट करना है बेसिकली एवरी टाइम एक रेंडम होना चाहिए एंड मैं बताना चाहूंगा कि मेरा ये जो जास्क्रिप्ट uh, का ये जो मेरा एडवांस कोर्सेज में हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट आई गेस इसमें या इसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट ही था रैंडम बैकग्राउंड uh, जब जब एक, एक बटन पे क्लिक करता तो वो रेंडम बैकग्राउंड आ रहा था तो वो हमने ऑलरेडी की है उसमें मैंने एक अलग अप्रोच अपनाया था यहाँ पे मैं एक अलग अप्रोच के थ्रू आपको आप ये बताने वाला हूँ

ज युनिटी जहां पे आप अपना जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकते हो ये देख सकते हो कि इसको आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो सो so होगा क्योंकि ट्राई करना बहुत ही जरूरी है एंड आपने जो भी ट्राई किया जैसे भी है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी ठीक है सो so देख लीजिएगा इसमें कैसे इसको करने वाला हूं तो फिलहाल आप देख सकते हो दिस इज अंक्शन जहां पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया चलो ठीक है सो लेट्स डिफाइन आवर फंक्शन है ना एंड कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है तो अपने को कोई टेंशन भी नहीं है फिर तो आप लोगों के लिए मैं जूम कर देता हूँ चलो ठीक है आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा दिस टाइम ठीक है तो सबसे पहले अगर आपको रैंडम नंबर चाहिए कभी भी सो गैस इन जॉब वट डू वी हैव बताओ जरा लाइक रैंडम नंबर पाने के लिए क्या हमारे पास ऑब्वियसली वी हैव अ मैथ ऑब्जेक्ट राइट सो वट वी कैन डू इज लेट्स रिटर्न एक रिटर्न करते हैं मैथ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वी हैव अल रैंडम एंड या दिस इज इट चलो ठीक है एटलीस्ट ये करके देखते हैं इसको मैं एक बार रन करता हूं तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहां पे मुझे एक रैंडम नंबर आ गया चलो परफेक्ट है हमें क्या चाहिए हमें चाहिए टोटल सिक्स लेटर्स एंड अगर हम एक्सटैग को भी इंक्लूड करते तो टोटल तो 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 सात मुझे लगने वाला है ठीक है कहीं ना कहीं मेरा ये काम हो चुका है यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑलवेज मुझे इतना ज्यादा डेटा मिलने वाला है बट प्रॉब्लम बस एक होने वाला है यहाँ पे कि ऑलवेज मुझे वो जीरो एंड देन वन के बीच में जितने भी इंटीजर आई मीन जीरो एंड वन बोल रहा हूँ बेसिकली वन से लेके जीरो uh, से लेके नाइन के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो मुझे मिलने वाला है एंड ऑलवेज मेरा वैल्यू जीरो पॉइंट समथिंग ही रहने वाला है क्योंकि मैथ डॉट रैंडम आपको जीरो कॉमा वन के बीच में ही वैल्यू देता है ऑलवेज ठीक है इसलिए जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग ही हमें मिलने वाला है तो uh, देखो ये मुझे मिल गया अच्छी बात है बट मुझे तो हैगजे डेसिमल चाहिए ना तो एक हिंट भी दे, दे रखा हमने कन्वर्ट्स द रेंडम नंबर इंटू अल स्ट्रिंग नो मैटर इसको बेसिकली uh, स्लाइस करना पड़ेगा या स्प्लाइस करना पड़ेगा या जो भी है तोड़ना पड़ेगा टुकड़ों में ताकि मुझे सिर्फ इतने सारे लेटर्स uh, में मुझे सिर्फ और सिर्फ छह लेटर चाहिए होगा एंड वो सब हम कर सकते हैं विथ स्ट्रिंग राइट तो हमें क्या करना है जो भी रेंडम नंबर हमें मिला उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू स्ट्रिंग राइट ठीक right, है सो so नाउ मैं अब कंट्रोल एस सेव कर रहा ठीक है सो so, मैं अब इसको वापस रिफ्रेश करता हूं तो आपको कुछ डिफरेंस पता चलने वाला भी नहीं है आपको कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने यहां पे टाइप ऑफ उप ऑपरेटर उप यूज नहीं किया बट जो भी हो अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया डेट्स फाइन बट वेन इट कम्स टू ये तो यहां है ना दस हम नहीं लिखते वो हम लिखते फिर ए बी सी डी ई एंड देन तो टोटल जाता है तो यहां पे कभी भी मुझे ए बी सी डी इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक नहीं मिलने वाला है तो मुझे होगा ठीक है लिखा गया so 16, अब पहले मैं सिर्फ उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था बट नाउ अब मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं इंटू तो अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं ध्यान से देखना सो थ्री टू वन एंड देखो यहाँ पे बी मिल रहा है यहाँ पे सी मिल रहा है यहाँ पे ई e मिल रहा है यहाँ पे बी मिल रहा है मेरा काम हो गया अब ये भी जो भी मुझे नंबर मिल रहा है ये एग्जैक्ट एसिमल नंबर है मुझे किसी भी तरीके से चाहू तो मैं पीछे से छह नंबर को ले लू या आगे से छह नंबर को मैं गेट कर लू मेरी मर्जी तो अब मैं क्या करूंगा मुझे सिर्फ छह लेटर चाहिए होगा सो डॉट वी हैव अ स्लाइस मेथड एंड ऑलरेडी मैंने अपने कोर्स में बता चुका है प्लीज आप चेकआउट कीजिएगा इस स्ट्रिंग में जा, जाओगे टेक्स्ट को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर बहुत सारे मेथड आपको मिल जाएगा Sub -STR, sub ऐसे भरे पड़े तो मुझे क्या yeah, तो मुझे ये जीरो नहीं चाहिए सो इट जीरो होगा अब मैं अगर दो से स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली मुझे सिक्स प्लस टू इट विल बी एट तो मुझे एट तो मतलब सेकेंड इंडेक्स नंबर से लेके एट इंडेक्स नंबर तक जो भी वैल्यू कभी भी आती है वो मुझे रिटर्न कर दो तो अब मुझे ऑलवेज सिक्स डिजिट ही मिलने वाला है ये देखो इस तरीके से अब यहाँ पे हम एक और चीज करेंगे फ्यूचर प्रूफ के लिए दैट इज इन केस कभी बाय चांस किसी गलती से हमें छह लेटर्स नहीं मिले तो हम एट द एंड में खुद से जीरो ऐड कर देंगे सो वी हैव दिस पैड एंड जहां पे मैं ये बोलता हूँ कि अगर छह टोटल कैरेक्टर्स या लेटर्स नहीं होते हैं देन आप उसमें जीरो ऐड कर दो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कल के दिन मुझे uh, इतना सब कुछ लिखने के बाद रिटर्न हुआ लेट से फोर थ्री ए एंड देन टू इस तरीके से मुझे रिटर्न हुआ ये बट ये तो सिर्फ चार है एंड हेक्साडेसिमल में तो टोटल मुझे छह लगेंगे तो मैंने पैड एंड यूज की है ये मेथड है अगेन स्ट्रिंग में जहां पे अगर जब तक ये टोटल सिक्स नहीं हो जाता तब तक आप जीरो ऐड कर दो तो अब सिक्स कैरेक्टर्स के लिए एक एंड देन दो तो लास्ट में हम दो ऐसे ऐड कर देंगे वी हैव अ पैड स्टार्ट ऑल्सो जो कि स्टार्टिंग में जीरो ऐड करता बट हमने अब लास्ट में ऐड कर दी तो अब ये टोटल छे कैरेक्टर्स uh, हो गए ना यहाँ पे सो डेट्स वाइट अब इतना लिखने से काम नहीं चलेगा वी नीड टू मेक इट टोटल सेवन कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग राइट तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको हम टेम्पलेट लिटरल्स बना देते हैं इन सबको मैं क्या करता होगा इस डॉलो एंड देन बैक्टिक सॉरी कली ब्रेसिस के अंदर मैं लिख रहा हूं एंड द मोमेंट आप ये बैकटिक यूज करते हो तो अब यहाँ पे कुछ भी एड कर सकते हो इस तरीके से दिस इज इट तो मेरा ये जो प्रोग्राम था ये हमने बहुत इजीली टैकल कर ली एंड एवरी टाइम मुझे एक न्यू रैंडम हैगजेड का जो कलर कोड है वो मुझे मिलने वाला है सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड ये जो पार्ट है इसको मैंने टोटली डिफरेंट अप्रोच में हमारा जासक्रिप्ट का जो प्रोजेक्ट है ना बैकग्राउंड रैंडम कलर जनरेटर वाला उस पर अलग अप्रोच मैंने किया था तो उसको भी एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा मैंने कोशिश की इसको वन वन लाइन में करने के लिए आप चाहो तो इसको वन लाइन में इस तरीके से कर सकते थे बाय द वे इसकी आपको बिल्कुल इस तरीके से जी हाँ गाइस तो इस तरीके से भी अगर आप करते हो तो टोटली आपका सिर्फ एक लाइन में आपने कितना औसा में प्रोग्राम बना दिया है ना सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना वीडियो पसंद आया होगा मेरे प्रीवियस जो चैलेंजेस है उनको भी जरूर टैकल कीजिए आई मीन कीजिएगा जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है वीडियो कैसा लगा लेट मी इन दी कमेंट सेक्शन वीडियो को लाइक like कर दीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा नेक्स्ट टारगेट इज वन मिलियन सब्सक्राइबर सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा ताकि आप ये औसम awesome जो सी सीरीज आने वाला है एंड जो और भी हमारे जो जास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स आने वाले हैं उनको आप मिस ना करो ऑल अर तो मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल टिटन गए थैंक यू सो मच टेक केयर